वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए नौकरी की जानकारी लेकर आया हूँ, इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही थी कि सर, ये जो MCL यानी महानंदी कोल फील्ड्स लिमिटेड में नौकरी आ रखी है ITI वाले बच्चों के लिए, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, प्लीज़ आप इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दो ताकि हम जो है इसके लिए प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकें। देखो भाई, मेरे को इसकी वीडियो आपके लिए आज नहीं लानी थी। मैं सोच रहा था कि आपके लिए जो वीडियो लेकर आऊँगा वो मैं लेकर आऊँगा 21 तारीख को, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है 21 तारीख को ओपन होना था। इसका फॉर्म जो है 21 तारीख को प्रॉपर तरीके से ओपन होना था, 21 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप सब इतनी रिक्वेस्ट करने लग गए, सो आई थॉट कि आपको छोटी सी मैं अपडेट दे देता हूँ। भाई देखो, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखी, वहाँ पर उन्होंने क्या बोल रखा है कि इस नौकरी के लिए ITI वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर तीन पोस्ट निकली है, एक तो ओवरमैन, उसके बाद माइनिंग सिरदार और एक आपका सर्वेयर। अभी आपको प्रॉपर क्राइटेरिया समझाऊंगा कि कौन सी क्वालिफिकेशन वाले इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं, तीनों के लिए सैलरी का क्राइटेरिया सेम है, 31,852 रुपये आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। और ये जो नौकरी है परमानेंट नौकरी है, ये मत समझना कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हायर किया जा रहा है। टोटल आप वैकेंसीज देख सकते हैं किस में कितनी वैकेंसीज है, और वैसे ओवरऑल की बात करें तो 370 यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज है। इसमें आपकी बैकलॉग यानी पुरानी वैकेंसीज भी इंक्लूडेड है। अब बात करूँ तो यहाँ पर इसका फॉर्म 21 तारीख को ओपन होना है। आप चिंता मत करो, आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्म की वीडियो भी दूंगा और आपको नोटिफिकेशन भी अच्छे से समझाऊंगा। ये आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने कमेंट्स चेक किए, तो आई थॉट कि एक बार आपको छोटी सी मैं अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि ITI वाले बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, तो उनकी परेशानी को देखकर मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। इसका ऑनलाइन फॉर्म की वीडियो आपको जो है उसी दिन मिलेगी। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन की डिटेल्स दूंगा और फिर 3-4 दिन बाद जो है आपके लिए फॉर्म की वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन अभी इसका फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। अभी थोड़ी सी आप डिटेल समझ लें, मैं इनकी वेबसाइट पर भी आपको लेकर जाऊँगा और वेबसाइट पर भी दिखाऊँगा ये नोटिफिकेशन आपको किस तरीके से मिलेगा। तो पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ और फिर जो है आपको वेबसाइट पर लेकर जाऊँगा। तो भाई ये जो है इसका नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैंने क्वालिफिकेशन वाले पार्ट का लिया है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, कोई भी इसकी क्वालिफिकेशन ठीक से आपको नहीं बता पा रहा है। तो भाई आपको बता दूं, आपको 21 या 22 तारीख को वीडियो तो मैं दूंगा ही, इसके अलावा आई थॉट कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनके लिए छोटी सी अपडेट मैं यहाँ पर कर दूँ। तो ये जो जूनियर ओवरमैन है, इसके लिए आपका डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास वैलिड ओवरमैन्स कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो DGMS के द्वारा आपके पास इश्यू होना चाहिए। दूसरा वाला पार्ट, इसमें वैलिड गैस टेस्टिंग एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद 1 ईयर का पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन कोल माइंस आपके पास होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर माइनिंग सिरदार के लिए, तो यहाँ पर माइनिंग सिरदारशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाई DGMS आपके पास होना चाहिए, एलोंग विद वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तीसरा जो है यहाँ पर 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका ये वाला क्राइटेरिया भी चल जाएगा। अब बात करते हैं इस तीसरे की, ये जो सर्वेयर वाला पार्ट है, सर्वेयर के लिए आपके पास आपको 10वीं पास होना है और 10वीं के साथ आपका सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ग्रांटेड बाय DGMS। तो भाई ये तो इसकी क्वालिफिकेशन है। आपको यही बोलूँगा मैं कि प्लीज़ आप किसी भी व्यक्ति पर इजीली भरोसा ना करें। अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तभी आप उससे जुड़ें, अदरवाइज आपको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एज का क्राइटेरिया नहीं बताऊँगा कि एज इसमें कितनी चाहिए, तो एज का क्राइटेरिया आपको 21 या 22 तारीख को वीडियो बनाकर पूरा नोटिफिकेशन समझाऊंगा। अभी जो है मैं आपको इसकी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। तो भाई ये इसकी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। MCL ही है, महानंदी कोल लिमिटेड। उसके बाद जो यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा नोटिफिकेशन अपडेट किया है, यहाँ पर ये देख रहे हैं न्यू के नाम से, और यहाँ पर जो है इन्होंने शॉर्ट नोटिस पे आप क्लिक करेंगे, मैं लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही शॉर्ट नोटिस पे क्लिक करेंगे तो जो नोटिस मैंने आपको दिखाया वो नोटिस आपके लिए ओपन हो जाएगा। भाई देखो, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि आपके लिए मैं इस तरीके की वीडियो लेकर आऊँ, आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए मुझे लाने पड़ी। बाकी आप चिंता मत करो, 21 या 22 तारीख को इस पर आपके लिए एक वीडियो मिलेगी, उसके बाद फॉर्म की वीडियो आपको 26 से 27 तारीख को मिल जाएगी। सो आई होप कि मेरी बातों को आप समझे होंगे।
और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर लखनऊ वाली जो अप्रेंटिसशिप है उसकी फॉर्म की वीडियो लेकर आओ, तो भाई उसका फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है। वैसे 10 तारीख का बोला गया था लेकिन अभी फॉर्म प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जैसे ही फॉर्म ओपन होता है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। इसके अलावा एक दो अभी जो है अप्रेंटिसशिप्स आपके लिए और आ रखी है, एक दो क्या ज़्यादा ही आ रखी है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ITI वाले बच्चों के लिए वो अपडेट लेकर आ सकूँ। और भाई अंत में एक और बात, इसमें ITI वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते जैसे कि मैंने आपको बताया, बाकी देखते हैं कि ये क्वालिफिकेशन चेंज करते हैं या नहीं, हम जो है आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट कर देंगे। सो आई होप कि ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अंत में यही बोलूँगा कि जो बच्चे 2019 में ITI करना चाहते हैं उन बच्चों के साथ हमारा चैनल शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों को हम जो अच्छे से गाइड कर सके ट्रेड चूज़ करते टाइम पर। सो धन्यवाद, अंत में यही बोलेंगे।